माता के हत्यारे, तुमने ऐसा अपराध किया है जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। तुमने साक्षात भवानी को अपनी पुत्री के रूप में पाया था और अपने झूठे अहंकार में आकर उसे खो दिया। जब तक काल तुम्हारे साथ था तुम सुरक्षित थे, अब तो काल भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे वध का आदेश स्वयं महाकाल ने मुझे दिया है। प्रजापति दक्ष, आज तुम ही नहीं तुम्हारा अहंकार भी मेरे चरणों में घुटनों के बल गिरा पड़ा है। नियमानुसार तुम्हारा वध करना उचित नहीं है, परंतु तुम इतने नीच हो कि तुम्हारा वध करना पाप नहीं पुण्य है। Thank you.
ये आपने क्या किया देवी? आपने तो वचन दिया था कि आप स्वयं लौट आएंगे या मुझे बुला लेंगे। आपने कैलाश छोड़ा, आपने मेरा हृदय छोड़ा, किंतु संसार छोड़ने की बात तो हमारे बीच में कभी हुई नहीं थी देवी। आपने अपने पति के सम्मान को अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान बना दिया और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको जो मेरे लिए करना था वो तो आपने कर लिया देवी, किंतु अब मैं क्या करूं? अब मेरे वश में रह ही क्या गया है देवी? महादेवी, अब इसके पश्चात जब तक ये शिव रहेगा आप इसी प्रकार उसकी बाहों में रहेंगी। आपके त्याग, आपकी श्रद्धा को यही मेरी श्रद्धांजलि है। और इसके अतिरिक्त मैं भी कह सकता हूं, महादेवी, जब आपके पिताश्री ने मुझे निर्धन कहा था तब मैं निर्धन नहीं था, किंतु आज ये शिव अपनी शक्ति के बिना निर्धन हो गया है देवी, और मेरी बाहों में जो शेष है उसे मैं सदा अपने समीप रखूंगा, उसका कभी त्याग नहीं करूंगा। चलिए देवी, मैं इस वातावरण से आपको दूर ले जाता हूं, चलिए मेरे साथ। इतना बड़ा शोक, इतना बड़ा शिव विरह सिंधु में, शोक इतना बड़ा शिव विरह सिंधु में, अश्रु बन खो गए खो गए, शक्ति क्या छिन गई, तो शिव थे मगर शक्ति क्या छिन गई, शिव तो शिव थे मगर शिव से शब हो गए, शिव से शब हो गए, चलने लगे।
पथरा गए यूं लगा शंभु तो जागते सो गए जागते परमेश्वरी, आपने सत्य कहा था जगदम्बे, ये रहस्य अब मेरी समझ में आया। आपने जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के जोड़ों की व्याख्या की, आपने जिस प्रकार नारी और पुरुष के संबंध की रचना की और जिस उद्देश्य के लिए सती का जन्म हुआ, उसने तो अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया कि एक पत्नी की दृष्टि में पति का क्या सम्मान होता है। हाँ हे महाकाली, और इसी प्रकार पुरुष ने भी तो सिद्ध कर दिया कि उसकी दृष्टि में नारी का सम्मान क्या है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भगवान शिव ने तो प्रेम की परिभाषा ही बदल दी, उन्होंने प्रेम को अपनी ही भांति ऊंचा और महान बना दिया। वे सती की मृत देह उठाए इस लोक से उस लोक भटक रहे हैं। क्या ऐसा प्रेमी इससे पहले संसार ने कभी देखा है, और क्या इसके पश्चात कभी संसार देख पाएगा? देवी, ये तो सीख है उन लोगों के लिए जो धन के लोभ में अपनी पत्नी को जीवित जला देते हैं। नारी और पुरुष के संबंधों को ना समझने वाले व्यक्तियों के लिए शिव और सती की गाथा कितनी हृदय स्पर्शी है, कितनी प्रेरणा देने वाली है। हे देवी परमेश्वरी, क्या भगवान शिव सती की मृतदेह को इसी प्रकार उठाए लोक लोक भटकते रहेंगे? हे आदिशक्ति, यदि संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक महान उदाहरण है, किंतु हे परमेश्वरी, इसे तो रोकना होगा, नहीं तो जीवन का क्रम आगे कैसे चलेगा? आपने सत्य कहा महादेवी, मुझे इसका कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। मुझे शिव से गौरी की मृत देह को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गौरी शिव से अलग नहीं होगी उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। और यह भी सत्य है कि शिव से शक्ति को अधिक समय तक दूर नहीं रखा जा सकता। हे महादेवियों, मैं विष्णु लोक जा रही हूं, क्योंकि इस समस्या का समाधान अब केवल
भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। आइए परमेश्वरी, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। मैं विष्णु प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आज्ञा दीजिए, आपने कैसे कष्ट किया? हे देवी, मैं तुम्हारे द्वारा भगवान श्री विष्णु के मन में यह विचार देने आई हूँ कि उन्हें थोड़ी देर के लिए अपनी योग निद्रा तोड़नी होगी और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की ओर देखना होगा। हे आदिशक्ति परमेश्वरी, सती का इस प्रकार अंत एवं देवाधिदेव महादेव की स्थिति देखकर मुझे भी रोमांच हो रहा है। हे देवी, मैं भी यही कहने आई हूँ कि आप पद्मनाभ को जगाइए और उनसे कहिए कि वे भगवान शिव से गौरी की मृतदेह को अलग करने का उपाय करें। जैसी आपकी आज्ञा आदिशक्ति परमेश्वरी। देवी, मैं इस स्थिति से बचना चाहता था, किंतु अब भगवान शिव के लिए मुझे अपनी भूमिका निभानी ही होगी।